हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर बात की थी आपकी कि आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन यानी अलोंग द एक्सिस, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर, इक्विटोरियल लाइन के ऊपर। इसी इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर इक्विटोरियल की बात करेंगे तब हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। हमने एक्सिस लाइन पे देखी, आज हम देखेंगे इक्विटोरियल लाइन के ऊपर। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैं फिगर बनाऊंगा, इसका जो पिक्चर बनाऊंगा ना, उसको ध्यान रखना है, और किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, क्योंकि अगर उसको होगा उसके बाद तो मैथमेटिकली क्या करना है, सोल्व करना है। कंसिडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक क्या रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड की स्मॉल डिस्टेंस 2a विद सेंटर O, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनका सेंटर क्या है ओ, उनके बीच की दूरी कितनी है 2a, इसी को क्या बोलता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको। अच्छा अब ये इसका सेंटर है तो इनके बीच की ये डिस्टेंस, ये कितनी बच गई, a इधर बच गई और a इधर बच गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, इस P पॉइंट के ऊपर यानी कि इक्विटोरियल लाइन के ऊपर। तो ये इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये इधर ये सेंटर है और ये वो सेंटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी यानी कि इक्विटोरियल लाइन के ऊपर, अलोंग द एक्सिस होता तो एक्सिस बोलते हैं, इसकी क्या इक्विटोरियल लाइन है, और इनके बीच की दूरी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड ओ इज आर, किसी नोट कर रहा हूँ इसको, आर से नोट कर रहा हूँ। अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बार किसके कारण, माइनस टू के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर, एक बार किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, कहाँ पर, इसके कारण। अब दोनों की आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या है रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि मुझे अलग अलग सिंगल चार्ज के नहीं, अब मुझे इसे इक्विटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दोनों चार्ज होते हैं, तो उसके बाद पहले माइनस क्यू के कारण निकालूंगा, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण, और दोनों की जो रिजल्टेंट बनेगी उसको क्या कर दूंगा, फाइंड करना मुझे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, समझ गए। ये कितनी मेरे पास ई वन है, क्या है ई वन, देखो अभी इधर देखो, ये जरूरी इस पी पॉइंट पे और इस क्यू वन, ये क्योंकि मुझे P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये A है ये R है, ये कितना एंगल इधर 90 डिग्री और ये एंगल कितना है थीटा, तो पाइथागोरस पर में से ये कितना बच गया इधर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सारे का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इंटेंसिटी फाइंड करनी है पी पॉइंट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज मोस्टली हम क्या रखते हैं, हमेशा क्या बोला आपको, पॉजिटिव चार्ज, जब मैं इधर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो माइनस क्यू क्या उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, ई होगी, ई वन की डायरेक्शन कितनी होगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये एंगल थीटा है इसके साथ भी, अब इसके साथ ये थीटा है तो यानी कि कितना कंपोनेंट में रिजल्ट हो जाएगी, जो ई वन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितने भागों में बढ़ जाएगी, टू कंपोनेंट में, एक तो अलोंग द थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर, पढ़ावा से दिशाती हुई, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई तिरछी रेखा काटती है, अगर ये मेरे पास थीटा है तो ये भी कितना होता है थीटा, यानी कि ये मेरे पास अगर थीटा है तो ये लाइन के ऊपर ये भी कितना इधर मेरे पास है थीटा एंगल है, ठीक है, यानी कि ई वन कितने भागों में बट गया, दो भागों में, एक तो इधर हो गया ई वन कोस थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया मेरे पास ई वन साइन थीटा, ठीक है।
अब अगर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ई टू फाइंड करनी होगी। पी पॉइंट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज के कारण आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यानी कि इनके बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये ए है, ये आर एम सेम हो जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सारे का रूट, समझ गए। अब देखो एक बात, मेरे पास जो मैग्नीट्यूड होगा ए वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बराबर होगा ई टू, समझो मेरी बात क्या इधर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है, इन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है और जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन है माइनस क्यू चार्ज के कारण और पी पॉइंट पे, तो देखो माइनस क्यू और पी के बीच की जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस किन के बीच की है, पॉजिटिव चार्ज और पी पॉइंट के बीच की है। अगर ये माइनस क्यू मेरे पास 5 कूलम्ब है तो इधर भी कितना है 5 कूलम्ब है, क्योंकि डेफिनेशन यही होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर ये इधर मेरे पास 10 कूलम्ब है तो इधर भी कितना है 10 कूलम्ब ही है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम है और पी पॉइंट की दूरी भी दोनों से क्या है सेम है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस माइनस क्यू चार्ज के कारण और इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, डायरेक्शन जो भी होगी बात की बात देखेंगे इसमें, ठीक है। यानी कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड में दोनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब देखो इधर एक बार फिर बना देता हूँ समझाने के लिए छोटा सा, ये एंगल कितना मेरे पास इधर भी थीटा, ये कितना था 90 डिग्री। अब इधर मैं अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा और इधर भी मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा ये रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन होगी आपके बारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि E2 की डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास ये क्या होगी ये रहेगी E2 की डायरेक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है इधर, इधर वाला भी कितना है थीटा है, वही सेम प्रोसेस, ठीक है, तीसरी लाइन काटती है। अगर ये थीटा है तो ये E2 भी कितने भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में रिजोल्व हो जाएगा, E2 इज रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये एक अलोंग द थीटा E2 cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर ये E2 sin थीटा, ठीक है ना। यानी कि जो मेरे पॉजिटिव क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो भी कितने कंपोनेंट में जुड़ हो जाएगी, टू कंपोनेंट में, एक तो ये इधर ही E2 cos थीटा और एक इसके ये परपेंडिकुलर है E2 sin थीटा, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, जो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, क्योंकि E1 और E2 तो दोनों क्या है सेम है। अब जो E2 जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी E1 की वैल्यू क्या है नीचे है, और इसके साथ भी क्या है sin थीटा, sin थीटा यानी बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या इक्वल है, दोनों क्या आ जाएंगे आपके वो कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मींस दे कैंसल ईच अदर। अब देखो मेरे पास E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, इनका इफेक्ट तो क्या हो गया जीरो हो गया इक्वल एंड अपोजिट होने का। अब मेरे पास सिर्फ क्या कंपोनेंट बचा E1 cos theta and E2 cos theta both are in same direction, दोनों दोनों क्या है सेम इधर ही है, दोनों दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, दैट मीन्स जो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी E1 cos theta प्लस में E2 cos theta, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ये है वो कितनी बन गई 2E1 cos थीटा, क्यों, क्योंकि मैं E1 किसके बराबर लिख सकता हूं E2 के बराबर लिख सकता हूं,
यानी E2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं E1 लिख सकता हूं। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या बन गया 2E1 cos थीटा, वो तो आपकी मर्जी है, 2E2 cos थीटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या है बराबर है, समझ गए। सिर्फ ये इक्वेशन है मैं, अब क्या करना है इस इक्वेशन को करना सोल्व करना है। टू न्यूमेरिकल वैल्यू है, cos थीटा यहां से निकल जाएगा, cos थीटा पढ़ा होगा आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय वगैरह करते हो, यानी अगर हमने cos थीटा निकालना हो तो क्या होता है, ये बेस होता है ना और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो बन जाएगा इधर ये थीटा है, ये इसका क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेन्यूज से निकालूंगा तो मुझे cos थीटा मिल गया, इधर टू है न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया, सिर्फ क्या फाइंड करना है इवन। तो इवन का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि इवन क्या हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो होता है इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है तो वही फाइंड करना। तो देखो कितना जाएगा इधर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अब इनके बीच की है ना मेरी इवन, इवन के वैल्यू पुट कर रहा हूं इधर, ठीक है ना इवन के वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो इवन क्या है इधर, ये इवन, इवन क्या है इधर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर कितने हैं ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे का रूट, ठीक है आर है मेरे पास और फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, इससे क्या यानी कि इवन की वैल्यू आ गई मेरे पास क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इवन की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन नाम वन दे देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट यानी कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है इस इवन की वैल्यू कहां पुट कर दूंगा इधर इसके साथ, पॉज करो वीडियो को नोट करो, आगे सॉल्व करते हैं इसके बाद, ठीक है करो पॉज और नोट करो इसको और देखो फिर इसके बाद क्या आएगा। देखो द नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी अब मेरे पास इधर, ये जो आएगी वो आएगी टू इंटू इवन, इवन की वैल्यू कितनी आई है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है कोस थीटा, और कोस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेस कितना है नीचे ए, ठीक है ना ये पर आपके पास कोई भी ए ओ पी में कितना जाएगा cos थीटा ही लेकर लिखूंगा, बेस बेस कितना a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 by 2, क्योंकि जो ये है ना रूट इसको मैं क्या लिखता हूँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट को क्या लिख सकता हूँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 बटा 2, ये रूट का मतलब ही कितना होता है 1 by 2, इस रूट का मतलब ही कितना होता है 1 by 2। अब देखो इसका बेस और इसका बेस दोनों क्या है सेम है, और जब आपके पास बेस सेम होता है किसी क्वांटिटी की उनकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, अब इन दोनों का बेस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है यानी इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि इसकी पावर कितनी वन प्लस में इसकी पावर कितनी वन बाई टू, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, और कितना बन जाएगा थ्री बाई टू बन जाएगा, ठीक है यानी कि मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से टू इंटू, इसको पहले लिख दूं ए को पहले लिख देता हूं समझने के लिए, टू ए इंटू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, अब ये क्या बन गया डाइपोल मोमेंट, वो इज द डाइपोल मोमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू ए क्या है डिस्टेंस और ये क्यू क्या है चार्ज, यानी ये बन गया मेरे पास डाइपोल मोमेंट, यानी E की वैल्यू आ गई मेरे पास P अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू,
है, समझ गए, ये हो गया। अब इसके बाद स्पेशल केस, स्पेशल केस मतलब क्योंकि हमें पता है कि आइडियल इक्विप जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है आइडियल, उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि जो टू है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। किसी भी आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहचान क्या होती है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल स्मॉल होती है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, टू ए जो है वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू आर, यानी जो आर है वो बहुत बड़ा है इस टू ए की तुलना में। अगर टू ए बहुत छोटा है इसका मतलब ये तो उससे भी छोटा होगा, एंड ए को क्या कर सकता हूँ मैं, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। ए को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, ये पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि एक की जगह जीरो पुट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ए हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, स्पेशल केस के अंदर। और इस टू से टू कैंसिल, यानी कि ई की वैल्यू आ गई मेरे पास, जो नेट आई वो कितनी आई है, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट करते रहना साथ साथ, कभी मिटा दो इसको, वीडियो को पॉज करो, नोट करते रहना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी एक्सियल लाइन के ऊपर, जिसकी वैल्यू आई थी 2 × P/4 πε₀r³, यानी कि 2 P आई थी ये मान लो, ठीक है, ये आई थी। इक्विटोरियल पे कितनी आई है, ये आई है, यानी कि इक्विटोरियल पे मेरे पास क्या आई है, ये आई है 4 πε₀r³, यानी कि एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्विटोरियल लाइन के अगर मैं रेशियो निकालूं 2/1 का, यानी एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा दोगुनी होती है, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर हमेशा दोगुनी होती है एज कंपेयर टू इसकी इक्विटोरियल लाइन के कंपेयर में, ठीक है, ये रेशियो याद रखना, नोट कर लो इसको।